सगन साहब के साथ फेयर प्रिपेयर करेंगे प्लीज। इब्तिदाए रब्बे जलील से पाक व बबरकत नाम से होगी तो मैं बताता रहूंगा कि मैच शुरू हो चुका है और मैं माइक अपने साथ दोनों टीमें जो है वह इस वक्त लगभग बड़ी अच्छी अंदाज में उन्होंने ये रेस लिया, बड़े चाकू चलन नजर आए है लेकिन नाकाम रहे, किसी साथी ने उनका साथ नहीं दिया। तारीख में चाहे वो रियासत जम्मू कश्मीर सरजमीन से मेडल से ताल्लुक रखते हैं। दो दिन का जो है हमने सब डिवीजन मैंडर में जो है रूरल स्पोर्ट्स मेला का जो है अंडर सिविक एक्शन प्रोग्राम पुंछ पुलिस ने जो है ये ऑर्गेनाइज किया है, जिसमें जो है डिफरेंट गेम्स हैं, एटलीस्ट 8 गेम्स जो हैं हमने इसमें जो है डाली हैं, जिसमें स्टोन लिफ्टिंग है, रिस्ट हैंडलिंग है, कबड्डी है, रेसलिंग है, 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, ये सारी गेम्स हैं। और मकसद इसका यही है कि जो फार फ्लंग एरिया है, स्पेशली बॉर्डर एरिया है, वहाँ का जो यूथ है, वहाँ का जो मतलब गेम्स के लिए जिनको प्यार है, उनको जो है एक प्लेटफॉर्म पे ला के उनको जो है एक प्लेटफॉर्म दिया जाए, ताकि जो है जो एनर्जी है यूथ की, जो एनर्जी है वो पॉजिटिव वे में जो है यूटिलाइज़ की जाए। इस मेले के हवाले से मैं ये कहूँगा कि ये सिविक एक्शन प्लान के तहत J&K पुलिस जो है वो करवा रही है, ये जगह जगह पे जो है ये प्रोग्राम हो रहे हैं। और आज मेंडर में भी स्पोर्ट्स मेला जो है वो डिस्ट्रिक्ट पुलिस पुंछ और सब डिवीज़न मेंडर ने जनाब शेजान भट्ट साहब जो SDPO मेंडर हैं KPS उनके क़यादत में हो रहा है। और बहुत अच्छा यहाँ माहौल देखा गया है, बहुत खिलाड़ियों में जोश और जज्बा है और बड़े कोई एक्सपर्ट तरीके से वो अपने अपने स्किल यहाँ दिखा रहे हैं। मैं यही गुजारिश करूँगा कि इस तरीके के प्रोग्राम, सिविक एक्शन के प्रोग्राम अगर पुलिस डिपार्टमेंट भी करती रहे तो ये बहुत बड़ी बात है। कहीं खिलाड़ियों को, इस रूरल एरिया के लोगों को जो मौका मिलता है अपने को किसी प्लेटफार्म पर पहुँचने का, और मैं इन सब का J&K पुलिस का और डिस्ट्रिक्ट पुलिस पुंछ का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने ये अच्छा प्रोग्राम जो है ऑर्गेनाइज़ किया। शुक्रिया।